आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यही सर जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में तो देख रहे हैं कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में तो सूखे के हालात हैं, वहाँ पर जो प्रोडक्शन के जो एस्टिमेट्स हैं उनमें लगातार कटौती की जा रही है वहाँ की एजेंसीज द्वारा। यूएस के अंदर देख रहे हैं कि जो क्रशिंग है वो ज़्यादा बड़ी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो यूएस सोयाबीन पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से $1530 के ऊपर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, और ब्राज़ील और यूएस के जो आंकड़े कहते हैं, उसका असर भारत में कब तक देखने को मिल सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि अगर एक दिन भी मंदी तेजी हुई तो उसका असर तुरंत भारत के बाज़ार पर देखने को मिलता था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है। जो सोयाबीन है NCDX पर वो 6400 के लेवल्स पर ही ट्रेड करती नज़र आ रही है, और जबकि जो यूएस सोयाबीन है वो $1500 के भी पार जा चुका है। देखिए, आई थिंक सोया काउंटर काफी कंसोलिडेशन में रहेगा डोमेस्टिक मार्केट पे। मंदी के मुझे कोई ऐसे बड़े कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसमें 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला चीज है, आप देखिए सामने हमारे पास मस्टर्ड की बड़ी क्रॉप है जी, जिसके चलते कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल बैक मुझे नहीं लगता कि बड़ी क्रॉप में मतलब बड़ा तेजी डोमेस्टिक पे नहीं दिख रहा है। बट साथ में आप क्रूड ऑयल के भाव देखिए ना, क्रूड के भाव $90 के करीब है, ओपेक की मीट होने के बावजूद हमने कोई मटेरियल बड़ा फॉल नहीं देखा है। दैट मींस क्रूड कंटिन्यू एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगा। इसका जो सपोर्ट है वो आप CPO में देखेंगे जी। तो आप देखिए इंटरनेशनल में BMD CPO कंटिन्यू स्ट्रांग दिखा रहा है, हमारे यहाँ पे भी अगर डोमेस्टिक में देखे तो आज भी 1200 के करीब ट्रेड कर रहा है। कांडला की बात करें हम, तो कहने का मतलब जब तक तेल तेज रहेगा तो सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल इनमें तेजी रहेगी, और उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट मस्टर्ड पे भी पड़ता हुआ दिखेगा। तो टाइमिंग सोया पे भी पड़ता हुआ दिखेगा। टाइमिंग मस्टर्ड की बड़ी क्रॉप देखते हुए मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी नहीं दिख रही है, बट बड़ी मंदी भी नहीं है। आज अगर हम इंदौर के भाव की बात करें तो हमने देखा है कि 6300-6400 के बीच में 2-3 दिनों से मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट 6100 के नीचे या 6050 के नीचे कहीं नहीं जाना है, और जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में डिस्पैरिटी बैठी है ये कहीं ना कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। खाली हम लोग वेट कर रहे हैं कि मस्टर्ड की क्रॉप का एक बार आकर मार्केट में क्लियरिटी आ जाए। मुझे लगता है 6600-6800 का लेवल डेफिनेटली हमारे यहाँ पे दिखा देगा अगले 2 महीने में कि क्रॉप साइज तो डेफिनेटली ड्रॉप है, क्योंकि अराइवल्स हम देख रहे हैं कि अराइवल्स आ ही नहीं रहा है मार्केट में, और जिस ढंग से तेल के भाव बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं प्राइस को सपोर्ट ही करेगा। तो आई थिंक आई एम वेरी मच बुलिश। खाली ये आप देख लीजिए 10-12 मार्च तक जो दबाव में है वो है, अदरवाइज मार्केट ये आराम से 6800 से 7000 का लेवल आप अप्रैल मिड के बाद देखेंगे, अप्रैल मई में आप देखेंगे कि आराम से 7000, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी तेजी बनी हुई है, जो वेदर कंडीशन का बोल लो या डिमांड बोल लो सब चीज फैक्टर सपोर्ट है। एक कमोडिटी की सुपर साइकिल चल रही है खास करके एग्री में, तो यहाँ पे आप मंदी के कारण मत ढूंढिए। आप देखिए मार्केट की पाइपलाइन पूरी खाली पड़ी है, ऊंचे भाव में भी लोग लेवाल खड़े हैं, तो आई थिंक कि कोई ऐसा बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉल नहीं लग रहा है मुझे। 6100-6150 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। जो हायर साइड में मुझे लगता है कि अगर हम अप्रैल एंड तक की बात करें तो 6800 क्रॉस कर जाएगा जी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक, बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।